सो लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट अदिति? कुछ पढ़ा आपने, क्वेश्चंस किए? हमें लास्ट टॉर्क डिफाइन कर दिया था, एंड टॉर्क के बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करना सिखाया था. एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना, टॉर्क कैलकुलेट करना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. उस पर्टिकुलर टर्म में हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम डिफाइन करूं तो उसमें दो डिफरेंट तरह का मोशन हो सकता होगा. एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन होता होगा उसके पास, मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, और दूसरा उसके पास रोटेशनल मोशन होगा. तब इन दोनों टर्म का अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो हम डिफाइन करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इन दोनों टर्म के लिए क्या कंडीशन हो सकती है हम उसको डिफाइन करते हैं. पहला, ट्रांसलेशनल मोशन होने के लिए नेसेसरी है कि वहां पे कोई फोर्स अप्लाइड होना चाहिए अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए. तो अगर मेरे पास उस बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, स्टैटिक स्टेट में रखना है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड बी कितना होना चाहिए? जीरो. अब ये फोर्स चूंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर. तब इस पर्टिकुलर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस उसका सम या अलोंग वाई एक्सिस उसका सम जीरो होना चाहिए. तो इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस या समेशन ऑफ एफ अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों का सम अगर जीरो हो तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर सकता है. मतलब उसमें कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकती अगर वो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है. तब नेक्स्ट, अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम बात करूं तो रोटेट कराने के लिए नेसेसरी मुझे टॉर्क अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी. तो अगर मेरे पास नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाए? जीरो. मतलब टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तब मैं बोलूंगा नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, इसलिए उसमें कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर इनिशियली बॉडी कोई रोटेशन नहीं शो कर रही है. तो ये दो मेन कंडीशन होती है किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए, बोथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब मैं इसका कुछ कंक्लूजन सिखाता हूं मैं आपको. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह, मैंने कोई एक रॉड ले लिया इस तरह, अगर इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करूं, यहां से अगर फोर्स अप्लाई कीजिए इधर की तरफ एंड यहां से एक फोर्स अप्लाई कीजिए इधर की तरफ, दोनों पे फोर्स इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स भी एफ है और ये फोर्स भी एफ है. तो अगर आप दोनों फोर्स का सम कीजिएगा तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी दोनों डायरेक्शन में अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, जीरो है. नेक्स्ट कंडीशन ऐसे हो सकती है, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी इस तरह से, इस पे अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ F, इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ F, तो यहां पे भी अगर दोनों फोर्स का सम करूंगा तो यहां पे भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल
या ट्रायंगुलर लामिना मान लीजिए उसको, अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं अलग अलग डायरेक्शंस में, कैसे? एक मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे इधर की तरफ, एक मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे इधर की तरफ, और एक मैं फोर्स अप्लाई करूं इस पॉइंट पे इधर की तरफ। तो यहां पे भी अगर आप इनका सम कीजिएगा, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ और ये फोर्स एफ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ले जाऊं कॉम्पोनेंट ब्रेक कर लूं उन सारे अलग अलग फोर्सेस के लिए, तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इंक्लाइन 60 डिग्री, यहाँ पे इंक्लाइन 60 डिग्री, दो कॉम्पोनेंट आपके इस डायरेक्शन में आएंगे, एक कॉम्पोनेंट इधर और एक कॉम्पोनेंट इधर। ये हो जाएगा 2 times ऑफ एफ कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखिए वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स की वैल्यू जीरो एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यहाँ तक कोई डाउट अदिति? तो हमने ये डिफाइन किया कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किन किन कंडीशन में जीरो हो सकती है। तो ये डिफरेंट 3 कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर नेट फोर्स जीरो होगी। अब इसके बेस पे मैं टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि टॉर्क कहां कहां जीरो हो सकता है, तो इसके बेस पे हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला टर्म बताता हूँ टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए इसके बेस पर टॉर्क डिफाइन कैसे करते हैं। टॉर्क डिफाइन करने के लिए एक टर्म समझते हैं हम, जैसे ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कंडीशन, उसमें मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे राइट साइड में, ये मेरे पास फोर्स अप्लाई किया, तो उसके पाथ के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ये। सिमिलरली इस पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इसके पाथ के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो पर्टिकुलर लाइन जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ये भी मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। क्या ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंसाइड कर रही है नहीं कर रही है, या एक दूसरे को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही किसी पॉइंट पे? अदिति क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे भी नहीं? अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बोथ एंड पे अगर फोर्स एक्ट करती हो और उसका सम अगर जीरो हो, तो चेक कीजिए कि वहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता
तो वो पर्टिकुलर फोर्सेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक टर्निंग इफेक्ट कॉज करा सकती है। कैसे? आप सेम बॉडी को इस तरह से देख सकते हैं, ये आपके पास बॉडी है। इस पॉइंट पे फर्स्ट जो फोर्स था इस पॉइंट पे, जो इधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, वो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे टर्न कराने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में टर्न कराने की कोशिश करेगा। तो एज अ होल ये पूरा सिस्टम देखिए टर्न करना शुरू कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी एक पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट करती हो जिसका सम जीरो हो, तो चेक कीजिए उसका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो टर्निंग इफेक्ट कॉज कराएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे पास फोर्स ये है, एक मेरे पास फोर्स ये है। तो यहाँ पे दो टॉर्क डिफाइन होगा सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। तब हम इस क्वांटिटी को एक नाम कहते हैं, विच इज कॉल्ड कपल। कपल कहते हैं अ पेयर ऑफ टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, तो दो डिफरेंट टॉर्क होगा। सपोज कर लीजिए इसका अपना एक एक्सिस, एक्सिस मान लीजिए यहाँ पे है। तो एक्सिस से एक ऊपर की तरफ और एक्सिस से एक नीचे की तरफ दो डिस्टेंसेस डिफाइंड हो रहे हैं। तो एक्सिस से एक डिस्टेंस यहां से यहां तक एंड एक्सिस से एक डिस्टेंस यहां से यहां तक। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दो डिफरेंट टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। ये टॉर्क आप टाव वन मान लीजिए और ये टॉर्क आप टाव टू मान लीजिए। यहां तक कोई डाउट अदिति? ओके, अब देखिए तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला टर्म वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है एंड ये वाला टॉर्क वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है ऑन द बेस ऑफ टॉर्क। तब उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ टॉर्क को इन कॉम्बिनेशन कपल बोलते हैं। कपल कुछ भी नहीं होता, अब पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकता है बट टॉर्क का डायरेक्शन फॉर दो डिफरेंट एंड के लिए आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप कैलकुलेट कीजिए यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक दोनों डिफरेंट टॉर्क के लिए, तो पहला टाउ वन विच इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लीजिए आर वन इंटू फोर्स एफ, टाउ टू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं आर टू इंटू फोर्स एफ। अगर मैं दोनों को सम करूं ताकि नेट टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड कर देंगे। दोनों में एफ कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। इस एफ को बाद में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों यहां से यहां तक एंड के सेपरेशन के इक्वल, उसको आप डी मान लीजिए। तो इसको बोल सकता हूं डी टाइम्स एफ इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क, बोल सकते हैं अदिति? यहां तक कोई डाउट? ओके, तो अब देखिए यहां से मैंने कुछ कंक्लूजन कैलकुलेट किया कि ये जो फाइनल आंसर आया, इस फाइनल आंसर में एक्सिस कहां पे है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और ये जो डी है वो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन उसको डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए अब याद रखिएगा कि कपल या पेयर ऑफ टॉर्क अगर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक फोर्स को लीजिए और उन दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब इसका रिलेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है? नेट टॉर्क इन दिस कपल इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ इधर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक लीजिए, एंड परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम, इसके इक्वल हो जाएगा। अदिति यहां तक समझ आया आपको? ओके, यहां तक समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देख लीजिए, यहां पे मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे है, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे है, ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर वो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तब वो टर्निंग इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा, इफ लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट इंटरसेक्टिंग देन it will cause turning effect. And उस particular turning effect को हम torque बोल सकते हैं या couple बोल सकते हैं। मैं आपको line of intersecting अगले example में बताता हूँ कि कैसे line of intersect करेगा उसके base पे। अभी यहाँ पे line of intersecting लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके बेस पे मैंने डिफाइन किया। ओके अदिति, लिख लिया आपने? ओके, अब देखिए, अगर मैं सेकेंड एग्जांपल को देखूं जो मैंने पीछे डिफाइन किया था कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरह, इस पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ एंड इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों के लाइन को अगर एक्सटेंड कीजिएगा तो किसकी तरफ जाएगा? तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा एंड अगर मैं लेफ्ट वाली लाइन को राइट वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगा, क्या दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये मेरे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग, ये भी मेरे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग, लाइन ऑफ एक्शन, दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब इस कंडीशन में नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और पहले से मेरे पास फोर्स भी जीरो है, इसलिए इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। यहां तक बात सुन में आई अदिति? अगर मैं इस रेड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, और इस ब्लैक वाली लाइन को जो इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए डिफाइन कर रहा है उसको आगे की तरफ इंटरसेक्ट एक्सटेंड कर रहा हूं, तो दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, इसीलिए उसको मैंने कहा लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए यहां पे अगर आपने मैंने यहां पे कोई ट्रायंगल बना लिया, ये मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, अगर मैं इस पे फोर्सेस देखूं अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करने की वजह से, क्या वो लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग उस पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पे अगर आपने इस पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में,
और इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। आप इन तीनों फोर्सेस के लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए और देखिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में जाकर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को आप सेंट्रोइड बोल सकते हैं। तो एक मेरे पास लाइन ये है, एक मेरे पास लाइन ये है एंड एक मेरे पास लाइन ये है। तो देखिए तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कंडीशन में भी नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आप बोलिएगा सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्टिंग, therefore net torque in this condition would also be equals to zero. यहां तक कोई डाउट? ओके, ये अलग अलग कंडीशन मैंने ड्रॉ किए सिंपली लाइन ऑफ एक्शन फोर्स डिफाइन करने के लिए एंड देन उसके बेस पे कपल डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद इस पे बेस प्रॉब्लम रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेस पे कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है मैं आपको वो समझाता हूँ। आपको जानबूझ के कोई एक रॉड दे दिया होगा, सपोज कर लीजिए आपके पास पे एक रॉड जैसे मैंने कोई मीटर स्टिक ले लिया, मीटर स्टिक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, वहां पे उसको बैलेंस किया गया किसी एक नाइफ से एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे कोई एक नाइफ प्लेस कर दी गई, किस डिस्टेंस पे, 45 सेंटीमीटर मार्क पे। ये मेरे पास क्या है, कोई मीटर स्केल है। मीटर स्केल की टोटल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। अब देखिए 45 सेंटीमीटर पे ये खुद से बैलेंस नहीं हो पाएगा, कि टोटल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस होना चाहिए, अगर वो यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है तब। तब इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो स्मॉलर लेंथ है उसकी तरफ दो कॉइन को प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर कॉइन को प्लेस कर दिया गया। तो एक कॉइन ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे कोई कॉइन को प्लेस कर दिया गया जिसका मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम, ऐसे प्लेस कर दिया गया। अब ये कहा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मास ऑफ स्टिक। तब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्वेश्चन का मतलब समझना आ दी थी। एक मेरे पास मीटर स्टिक है जिसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, उस पर्टिकुलर मीटर स्टिक को किसी नाइफ के ऊपर बैलेंस किया गया। बैलेंस किस पॉइंट पे किया गया, 45 सेंटीमीटर पे। तो 45 सेंटीमीटर पे जनरली बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए 12 सेंटीमीटर मार्क पे एक कॉइन रख दिया गया जिसका मास कितना, 10 ग्राम। तब ये पूरा बैलेंस है, तब इसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है कि मीटर स्टिक का मास कितना होगा। तो पहले अगर इसमें चेक करूं कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको वो बताता हूं। इसमें दो डिफरेंट फोर्सेस हम चेक करते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो मान लीजिए आपका ये मीटर स्टिक, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आप बोलिएगा एक नाइफ जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगा, कॉइन जो यहाँ पे प्लेस है सो उसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स होगा, और इस टोटल स्टिक का अपना कुछ मास होगा जो उसके मिड पॉइंट पे टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा अदिति, किसी रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है? गुड, अगर ये 45 सेंटीमीटर मार्क पे है तो 50 सेंटीमीटर मार्क कुछ यहाँ पे होगा, तो यहां से यहां तक एक फोर्स एक्ट करता होगा विच इज कैपिटल MG। तो ये देखिए हमने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए, कौन कौन से फोर्सेस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करते होंगे। सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रॉड शुड बी जीरो, इसीलिए N इज इक्वल टू MG प्लस कैपिटल MG। क्यों?
क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होना चाहिए, जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला यहां से हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसी रॉड के ऊपर और क्या एक्ट कर रहा है उसको देखा जाए। तो ये आपके पास रॉड ले लीजिए, इस रॉड के किस किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप बोलिएगा तीन डिफरेंट पॉइंट पे, एक कॉइन यहाँ पे, एक सेंटर ऑफ मास पे, और एक जहां पे नाइफ प्लेस्ड है उस पॉइंट पे। ये तीन डिफरेंट पॉइंट जहां पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन तीनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट को आप एक्सिस बिहेव कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो हमेशा उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा एक्ट करते हो, या नहीं तो दूसरा पॉइंट, उस पॉइंट को कंसिडर कीजिए जिनकी वैल्यू आपको नहीं चाहिए। जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन बोलता है तो मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, मास ऑफ स्टिक की वैल्यू चाहिए, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको एक्सेस नहीं ले सकता। एन की वैल्यू अननोन है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए अभी, और एम मेरे पास नोन है तो उसको एक्सेस नहीं ले सकता। तो इसीलिए एक्सेस उसको लीजिए जिसकी वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, दैट इज एन। तो इसीलिए आप एन को एक्सेस मान लीजिए। अदिति, ये समझ आया कि मैंने एक्सेस किसको माना और क्यों माना? तो पहला रीजन, जहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा एक्ट करते हो उसको आप एक्सेस मान सकते हैं। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है इसलिए आप किसी को भी मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, उसको आप मानिए जिसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रहा, उसको एक्सेस मान लीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालने को नहीं बोल रहा इसलिए मैं नॉर्मल रिएक्शन को एक्सेस मान लिया। अब उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए कि जो फोर्सेस हैं वो किस किस डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में एंड ये भी फोर्स इस डायरेक्शन में। तब उस फोर्स के लिए जो टॉर्क जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एक्सिस, चेक कीजिए वो क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा या एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा। तो अगर देखिए इस एक्सिस के mg लेफ्ट साइड में है तो मतलब वो उसको इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराने की कोशिश करेगा, एंड इस टर्म को मैं टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता हूं। ये समझ आया दीदी? देखिए, पहला का मैंने एक्सिस ड्रॉ करना सीख लिया, उसके बाद एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप चेक कीजिए कि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे अलग अलग पॉइंट पे वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये स्मॉल एम जी है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो अगर एक्सिस के लेफ्ट में है तो वो उसको डाउनवर्ड ले जाएगा तो उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको। आई बात समझ? सिमिलरली अगर मैं एक्सिस के राइट साइड में कैपिटल एम जी देखूं तो वो आपको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक ये टर्म गुड। तो आप बोल सकते हैं कि अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो मैं बोल सकता हूं टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल। अब देखिए इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप यहां से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से 12 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम वन एंड है और नाइफ 45 सेंटीमीटर मार्क है, दोनों के बीच का सेपरेशन यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। गुड। सिमिलरली ये अगर 45 पे और ये 50 पे है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा। गुड। अब मेरे पास टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज किसके इक्वल हो जाएगा, mg इनटू डिस्टेंस 33, टॉर्क क्लॉकवाइज mg इनटू डिस्टेंस 5। आपको सारी वैल्यूज पता है, कैपिटल m की वैल्यू यहां से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आया? फिर उस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन पुट कर दूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट अदिति, कैसे मैंने सॉल्व किया? गुड। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है।
यहाँ पे स्मॉल एम एम है, इसके बेस पे लिखा मैंने स्मॉल एम। इस स्मॉल एम मैंने कॉइन के मास को कंसिडर किया है, कैपिटल एम स्टिक के मास को कंसिडर किया है। दीदी गुड 66 ग्राम, तो मेरे पास मास की वैल्यू आ गई। उस टर्म को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी रोटेशनल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसके बेस पे एक नीट का क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि कोई एक रॉड है इस तरह, उस रॉड का अपना कुछ वेट है एंड ये रॉड दो नाइफ से सपोर्टेड है फ्रॉम इट्स एंड। एक नाइफ यहां पे एंड एक नाइफ यहां पे है इस तरह। इस रॉड की टोटल लेंथ यहां से यहां तक अगर डी है एक नाइफ ए एक नाइफ बी है। वो कहता है कि ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म रॉड नहीं है और उसके लिए सेंटर ऑफ मास कुछ एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम एंड ए। इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट एक्स फ्रॉम ए, तब बताइए फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी कितना होगा। मान लीजिए उस रॉड का मास एम है उसके बेस पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया, पहला फोर्सेस ड्रॉ कीजिए कहाँ कहाँ पे फोर्सेस एक्ट करते होंगे, दूसरा टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कहाँ कहाँ पे टॉर्क किस एक्सिस मान लीजिए उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ आया आपको?
गिवन हमें सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस फ्रॉम ए, पॉइंट को मान लीजिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कीजिएगा मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करना, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इस तरह आप रॉड मान लीजिए, वहां पे सेंटर ऑफ मास कहां पे एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक पॉइंट ए पे फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक बी पे फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे एक्ट करेगा एमजी। ये तीन फोर्सेस एक्ट करते होंगे। अब देखिए उन तीनों फोर्सेस में आप किसको एक्सिस मानने की कोशिश कीजिएगा, एन ए, एन बी और एम जी, किसको एक्सिस मानने की कोशिश कीजिएगा। गुड, तो आप इसको एक्सिस मान लीजिए। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए मूवमेंट कौन कौन किधर कर सकता है, तो mg नीचे की तरफ एक्ट कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये आपको कैसा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गुड, तो टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स है दूसरा वाला नॉर्मल रिएक्शन एन एट बी, वो इस एंड पे एक्ट कर रहा है, तो ये उसको कहां ले जाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लीजिए फिर से एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये मेरे पास एक्सिस है। अब दोनों के लिए डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो डिस्टेंस कहां कहां से कैसे कर सकता है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्स है, एंड टोटल डिस्टेंस उस पर्टिकुलर रॉड के लिए यहां से यहां तक गिवन है कि डी है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और इसके लिए मैं यूज करूंगा टॉर्क क्लॉकवाइज। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपको एन बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आंसर आता है। तो यहां से ND डी इंटू डी प्लस टू एम जी इंटू एक्स, मुझे ND की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हो जाएगा एम जी एक्स डिवाइड बाई डी। सिमिलरली अगर मुझे NA की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो यहां पे इक्वेशन दिया है टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। NB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है यहां से, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए तो वहां से एन ए की वैल्यू फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप इजिली फाइंड आउट कर सकती हैं। यहां तक कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। गुड, अब देखिए एक अनदर प्रॉब्लम पूछा जाता है स्टेयर के बेस पे। वो बोलेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वॉल है, ये मेरे पास एक वॉल और ये मेरे पास कोई सरफेस है,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लैडर स्लाइड करके प्लेस कर दिया गया। सपोज कुछ इस तरह से यहां से यहां तक, ऐसे प्लेस कर दिया गया। अब कहते हैं कि इस पर्टिकुलर लैडर की अपनी कुछ लेंथ होगी L, और ये स्टेयर्स मतलब ये जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो पहली बात, एक मिनिमम कंडीशन में आपसे अगर पूछूं कि इस पर्टिकुलर लैडर को इस इंक्लाइंड वे में स्टे करने के लिए क्या कोई सरफेस में फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर विदाउट फ्रिक्शन होगा ये सरफेस, तो क्या इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन को विदहोल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके लिए नेसेसरी फ्रिक्शन होना चाहिए? गुड। अब फ्रिक्शन यहां पर रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो ये इस वाले सरफेस से फ्रिक्शन दिया हो सकता है, इस वाले सरफेस से फ्रिक्शन दिया हो सकता है, बट कंडीशनली लोअर सरफेस पर फ्रिक्शन होना ही चाहिए। अपर सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोअर सरफेस पर फ्रिक्शन होना कंपल्सरी है। तब देखिए यहां पे फ्रिक्शन, इस पॉइंट पर फ्रिक्शन इधर की तरफ एक्ट करता होगा F। इस लैडर का अपना टोटल लेंथ L है, तो उसके मिड पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा उसके वेट की वजह से। तो यहां पे उसके वेट की वजह से एक फोर्स एक्ट करता होगा mg। सिंपली लैडर इस पर्टिकुलर दो सरफेसेस से कॉन्टैक्ट में, तो उन सरफेस के परपेंडिकुलरली कुछ फोर्स एक्ट करता होगा जिनको मैं नॉर्मल रिएक्शन बोल सकता हूँ। तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे, उसको आप एन वन मान लीजिए, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे, उसको आप एन टू मान लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किन किन डायरेक्शन में। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देख लीजिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। और फ्रिक्शन के अलावा गुड, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन एन वन और एफ इक्वल होना चाहिए। अगर आपको F की वैल्यू पता है तो N1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और गुड, तो N2 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, mg के इक्वल। तो पहली कंडीशन आपके पास ये हो। अब मुझे यहाँ पे जो भी अननोन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रोटेशनल कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए रोटेशनल कंडीशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप सपोज कर लीजिए आपके पास लैडर हमारा कुछ इस तरह से है, यहां से यहां तक ये सपोज कर लीजिए लैडर है, एंड मैंने साइड में जो बनाया है वो सिंपली रेफरेंस के लिए और कुछ भी नहीं। अब देखिए इस लैडर के ऊपर फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में, मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पॉइंट इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा था जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब इस पाथ पे लॉन्ग जाएगा, तो यहां से भी सेम ही फोर्स होगा, उसको आप एन वन बोल दीजिए। दूसरा मेरे पास फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में, एम जी इस पॉइंट पे सेंट्रल मोस्ट पॉइंट पे अगर है इस पर्टिकुलर सेंटर पे, तो उसके लिए अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं वहां से वहां तक, यहां से यहां तक, तो ये कुछ ऐसे एक्ट करेगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा मेरे पास एम जी। अब देखिए इन पर्टिकुलर लैडर के ऊपर कितने पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप बोलिएगा तीन डिफरेंट पॉइंट पे,
मैंने पहली कंडीशन बताई थी एक्सिस चूज करने के लिए, वो पॉइंट कंसीडर कीजिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट बॉटम, मिडिल या टॉप? टॉप पे सिर्फ एक फोर्स है एन वन, और देखिए गुड, देखिए यहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी उनको सॉल्व करने में, इसलिए आप उनको एक्सिस मान लीजिए। तो मैंने इस पूरे इंटायर रीजन में एक्सिस मैंने सपोज कर लिया, इसको एक्सिस मान लिया। अब उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, चेक कीजिए वो दोनों फोर्सेस इस लैडर को रोटेट कैसे करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये टर्म इस पर्टिकुलर लैडर को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको मैं कौन सा टॉर्क बोलूंगा, टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज एंड दूसरे वाले फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? मान लीजिए टोटल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लैडर एल है और ये किसी थीटा एंगल का इंक्लाइंड है, तो सेंटर ऑफ मास एक्ट एट इट्स मिड पॉइंट, सो यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा एल बाई टू, और ये अगर थीटा है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक वो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, यहां से यहां तक। ये समझ आया? अब देखिए ये अगर टोटल एल डिस्टेंस पे है, ये अगर थीटा है, सो सामने वाला ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एल साइन थीटा हो जाएगा, इसीलिए ये डिस्टेंस पे यहां से यहां तक कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। तो आपको दोनों टॉर्क की वैल्यू फाइंड हो गई, एन वन उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, एम जी उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, वहां से एन वन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उस एन वन को इक्वेट कर दीजिएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। एंड चूंकि अगर आपको मास पता है इस पर्टिकुलर लैडर का तो उसके बेस पे एन टू की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी आती है आपको सॉल्व करने के बाद, ट्राई कीजिए। एन1 की वैल्यू आ गई तो वहां से फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर उस फ्रिक्शन को म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आती है। वन कैसे हो सकता है, म्यू की वैल्यू वन कभी नहीं हो सकता। देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, एन टू के इक्वल है,
एन टू की वैल्यू वहां पे किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, एंड फ्रिक्शन इटसेल्फ किसके इक्वल है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एफ की वैल्यू है एन वन के इक्वल, और एन वन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है एम जी कॉट थीटा डिवाइड बाय टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी के इक्वल, सो एम जी एंड एम जी कैंसिल आउट, सो म्यू इज नथिंग बट कॉट थीटा बाय टू। अब सर मैम ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, लिखा है इसीलिए यहां तक कोई डाउट, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, इसको क्वेश्चन वाइज इससे लिखेगा अ लैडर ऑफ लेंथ एल मास एम इज प्लेस्ड अलोंग वॉल एट एंगल theta on a rough horizontal surface. ये क्वेश्चन है एंड इसमें हमने इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी। अदिति लिख लिया आपने, ओके। तो इसी तरह के आपको अलग अलग प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं इस रोटेशन इक्विलिब्रियम में। हर प्रॉब्लम में आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, पहली चीज चेक कीजिए कि नेट फोर्स किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उसका एक इक्विलिब्रियम आएगा। दूसरा, टॉर्क एक्ट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, उनमें आप किसी एक पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए एंड देन उसके बिहाफ पे टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेट करके जो भी अननोन पार्ट हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका पूरा ये रोटेशन इक्विलिब्रियम एंड ये पूरा टॉर्क डिफाइन हो। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल के बेस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप टॉर्क कैलकुलेट कीजिए ऑन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट, उस क्वेश्चन के लिए आपको फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। तो आपसे एक आसान क्वेश्चन पूछा, प्रोजेक्टाइल में अगर आप देखिए क्या आपके पास एक्सिस, कोई एक पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया हो इस पाथ के लॉन्ग जिसका मोशन कुछ ऐसा हो, तो आप देखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाए यहां पे एंड फिर से वो ग्राउंड को हिट कर दे यहां पे, हर पॉइंट पे अगर मैं ग्रेविटी उसका इंपैक्ट देखूं, इसे इस पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसे इस पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसे इस पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता जाता है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सिस उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
तो मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क की वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज करती जाएगी, बोल सकता हूं। अब मुझे किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो टॉर्क, तो उस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू का हमें पता है, दैट इज एम जी। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एम जी होगा। सिर्फ आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला था u टाइम्स cos थीटा इंटू टाइम टेकन। अगर आपको टाइम टेकन पता है पुट कर दीजिए, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और यही x r की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स mg, वो टॉर्क बता देगा। आया समझ? अब इसके अगर मैं अलग अलग इंस्टेंट में कैलकुलेट करूं कि कहां कहां पे कितना हो सकता है, जब पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा। तो जो एक्स होगा उसको मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ रेंज, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो ये इतना हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टर्म को एम जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टॉर्क इस कंडीशन के लिए एम जी टाइम्स यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ जी, जी एन जी कैंसिल आउट, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू फॉर हाइएस्ट पॉइंट इतना हो सकता है। उसी तरह अगर आपसे बोले कि टॉर्क एट इट्स फाइनल पॉइंट अगर वो सॉल्व कीजिए, तो सेम टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक रेंज के इक्वल हो जाएगा, तो इसका जस्ट डबल होगा। यहां पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, एज पार्टिकल प्रोसीड एक्स इंक्रीजेस सो टाउ आल्सो इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कुछ टाइम मोशन। यहां तक कोई डाउट? अदिति यहां तक समझ आया सब कुछ? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हमने लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो उसके लिए मैंने स्टेट किया था कि किसी भी बॉडी में मोशन का कितना अमाउंट कंटेन्ड है या स्टोर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए एक फिजिकल पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। सेम उसी तरह अगर मैं एंगुलर टर्म में बोलूं कि रोटेशनल मोशन कितना स्टोर्ड है किसी पर्टिकुलर बॉडी में, उसको अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो वो एंगुलर मोमेंटम के बेस पर डिस्क्राइब किया जाता है। तब इसके लिए आप कोई एक्सिस मान लीजिए इस तरह, वहां पे मेरे पास कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आर डिस्टेंस पे, सपोज कर लीजिए किसे इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसके पास कुछ वेलोसिटी होगी किसे इस डायरेक्शन में एट सम इंक्लिनेशन थीटा विद द रेडियल वेक्टर। सो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर हो सकता है, एक कंपोनेंट इधर हो सकता है। पार्टिकल का मास मान लीजिए m एंड वेलोसिटी v, तो उसके पास कुछ मोमेंटम होगा m टाइम्स ऑफ v, तो उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे mv cos theta एंड mv sin theta। कौन सा कंपोनेंट उसको रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट?
देखिए कॉस कंपोनेंट उसको एक्सिस से आगे की तरफ एक्सीड नहीं करा सकता क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। तो साइन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको टर्न कराने के लिए क्योंकि प्रोसीड नहीं कर सकता। तब इसके बेस पे अगर मैं टर्निंग इफेक्ट डिफाइन करूं इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए तो ये इस एक्सिस के अबाउ टर्निंग इफेक्ट शो कर सकता है। तब मैं बोलूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो रोटेशनल मोशन का कितना अमाउंट उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड है उस क्वांटिटी को डिफाइन करनी हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको डिफाइन कीजिएगा द फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस the quantity of rotational motion contained in a body। उस quantity को describe करने के लिए जो हम term use करते हैं उस quantity को हम angular momentum कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब देखिए यहां से अगर मैं इसको रिलेट करूं कि एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में किसके इक्वल होता है तो आप यहां से यहां तक डिस्टेंस को मान लीजिए r एंड उसके ऊपर परपेंडिकुलर मेरे पास मोमेंटम है जो उसको टर्निंग इफेक्ट कॉज करा रहा है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय l इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ mv sin theta। r mv को मैं बोल सकता हूं p टाइम्स साइन थीटा। दो वेक्टर जिसका प्रोडक्ट साइन थीटा उस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सो आर क्रॉस पी बोल सकते हैं। ऐसी चीज को अगर मैं मास को कॉमन कर रही यहां से मास कॉमन तो जाएगा आर क्रॉस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। यहां तक बात सुनना है? Put out p can be written as mass times velocity, so yahan se maine mass ko bahar le liya, so r times v into sin theta, so r cross v aise bhi likh sakte hain। Momentum ke mass ko maine bahar le liya, so we left with nothing but velocity। Ab samajh aaya? Okay, ab dekhiye agar main iski unit define karun तो इसकी यूनिट देखिए कितनी हो सकती है, आर इसकी यूनिट मीटर, मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। सो मैं बोल सकता हूं इसकी एसआई यूनिट एस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मैं अलग अलग कंक्लूजन सिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं इसका कंक्लूजन बताता हूं। ओके, अब ये दो डिफरेंट बॉडी के लिए, अगर मैं किसी पॉइंट बॉडी के लिए डिफाइन करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, या किसी रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। पहला फॉर पॉइंट बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पहला किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करता होगा, मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक्सिस है इस तरह, एंड इस एक्सिस के ऊपर मैंने किसी पार्टिकल को मूव कराया इस पाथ के अलोंग इस तरह से। तब मैं आपसे पूछूंगा कि पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे होगा, सपोज कर लीजिए कभी पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा
कुछ देर बाद पार्टिकल यहां से किसी इस पॉइंट पे हो सकता है, कुछ देर बाद वही पार्टिकल किसी दूसरे पॉइंट पे हो सकता है, यहां से किसी इस पॉइंट पे हो सकता है एंड सो ऑन। तब इन सारे अलग अलग पॉइंट के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं विद दिस पाथ, तो इसकी वैल्यू क्या डिफरेंट आएगी या सेम आएगी, मैं मुझे वो चेक करना है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। मैंने सपोज कर लिया कि कोई एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट किया उसने मूवमेंट करना विद मास टाइम्स वेलोसिटी। तो पहले वो किसी इस पॉइंट पे गया मास टाइम्स वेलोसिटी, फिर इस पॉइंट पे गया मास टाइम्स वेलोसिटी, फिर इस पॉइंट पे गया मास टाइम्स वेलोसिटी। हर पॉइंट पे देखिए उसके एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू चेंज करता जा रहा है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आर वन, तब ये मेरे पास दोनों के बीच में यहां से यहां तक एंगल थीटा, तो ये आर वन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, आर वन कैप इस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए तो फिर से एंगल चेंज हो गया, तो इसको थीटा वन मान लीजिए, इसको थीटा टू मान लीजिए, इसको थीटा थ्री मान लीजिए। तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग एंगल एक्ट कर रहा है, तो सारे अलग अलग पॉइंट के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, ये मेरे पास थीटा है, ये आर हाइपोटेनस, ये मेरे पास थीटा, तो ये सामने वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना कहलाएगा, ये मेरे पास टर्म आर टाइम्स साइन थीटा बोल सकते हैं। अगर मैं सेम टर्म इसको मैंने आर टू ले लिया, ये मेरे पास थीटा टू है, तो ये भी मेरे पास थीटा टू हो जाएगा इस हाइपोटेनस एंड इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में। तो फिर से ये सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरा टर्म आर टू टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा। अनुसूचित तरह अगर मैं इस टर्म को थर्ड टर्म को अगर मैं आर थ्री मान लू एंड ये मेरे पास एंगल थीटा थ्री हो जाएगा, तो फिर से मेरे पास यहां से यहां तक का टर्म ये मेरे पास हो जाएगा आर थ्री टाइम्स साइन थीटा थ्री। तो देखिए तीनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। एंड अगर मैं उन तीनों लेंथ को देखूं, तो पॉइंट अगर इनिशियली यहां पे था एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर ए है, तो ये तीनों डिस्टेंस एक्चुअली में ए के इक्वल है बोल सकते हैं। अब देखिए यहां तक, तो मैं यहां पे तीनों डिस्टेंस जब इक्वल है तो मास टाइम्स वेलोसिटी एंड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, तो बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज नथिंग बट एम वी टाइम्स नथिंग बट ए, क्योंकि ए आर वन साइन थीटा वन, आर टू साइन थीटा टू एंड सो ऑन सबके इक्वल है। तो इन जनरल किसी भी बॉडी के लिए विच इज गोइंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा एंड उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स है इसलिए उस पर डिपेंड करता है, वो चूंकि कॉन्स्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूँ कि फॉर अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसलिए जानबूझ के आपसे एक बेवकूफी वाला सवाल पूछेगा या आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोलेगा, क्या स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि एंगुलर वर्ड आ गया तो हम तो ये समझते हैं कि एंगुलर वर्ड मतलब हर चीज जो रोटेशन में करती होगी उसके लिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए भी डिफाइन हो सकता है, सर्कुलर मूविंग बॉडी के लिए डिफाइन हो सकता है, दोनों के लिए। बट अब स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए कितना हो सकता है और सर्कुलर मूविंग बॉडी के लिए कितना हो सकता है, तो इसमें पहली चीज मैंने डिफाइन किया कि फॉर स्ट्रेट मूविंग बॉडी एंगुलर मोमेंटम हमेशा कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। क्यों? कि मास ऑफ द टर्म, वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों चीजें कॉन्स्टेंट होती है, इसलिए
एंगुलर मोमेंटम इन टोटल कॉन्स्टेंट होता है, चेंज नहीं करता। यहां तक कोई डाउट? इसलिए अब याद रखिए, एंगुलर मोमेंटम जहां कहीं भी कैलकुलेट करना हो किसी भी स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पाथ एंड उसके मास टाइम्स वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करती है। एक मैं आपको क्वेश्चन पर दिखाता हूं। एक क्वेश्चन था, अ पार्टिकल having linear momentum 60 kg meter per second is moving along x plus y is equals to 4. Find angular momentum अबाउट ओरिजिन। IIT में क्वेश्चन पूछा था ये। अब बोलिएगा कि ये सॉल्व कैसे किया जाए, तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको लीनियर मोमेंटम दे रखा है, इस इक्वेशन के बेस पे आपको क्या दिख रहा है कि इक्वेशन किस चीज की हो सकती है? इक्वेशन हमने पढ़ा था ग्राफ में, मैंने इक्वेशन बताया था कि इक्वेशन दे रखा तो उसको आप एनालाइज कैसे कीजिएगा। चेक कीजिए एक्स एंड वाई के ऊपर पावर कितना है, गुड। इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। अब अगर लीनियर ग्राफ है तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप इसको इस तरह से समझिए, एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस वाई डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने फोर्सेस डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। तब आप इस ग्राफ को अगर ड्रॉ कीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि x को 4 डिस्टेंस पे कट करता है, y को 4 डिस्टेंस पे कट करता है। यानी तो आप 9th क्लास में कुछ चीजें सीखी होंगे, ड्रॉ करना किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के बेस पे ग्राफ। तो कहते हैं एक बार x को 0 मान लीजिए तो वहां से y निकाल लीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 मान लीजिए तो वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तब इसके बेस पे जब ड्रॉ कीजिएगा तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब x को 4 डिस्टेंस पे, y को 4 डिस्टेंस पे। इट मींस कि वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब कि जो पार्टिकल है वो इस पाथ के लॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, यहां से इस पाथ के लॉन्ग। तो मुझे क्या करना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर सेपरेशन ड्रॉ करना है उस पाथ के ऊपर। तो आप ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर सेपरेशन ड्रॉ कर दीजिए उस पाथ के लॉन्ग, ये आपका आर कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो देखिए, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 4। आपको एंगल पता है तो उसके बिहाव पे मैं आर कैलकुलेट कर सकता हूं। अदिति, मैं आर कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से? कैलकुलेट किए, देखिए कितना आता है आर की वैल्यू। अब यहां से लिख सकते थे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4/√2, या उसको आप 2√2 लिख सकते हैं। अदिति, ये समझ आया?
अब आपके पास r की वैल्यू पता है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पता है, तो मैं इन दोनों टर्म को पुट करके क्या एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट r टाइम्स लीनियर मोमेंटम, एंड सिंस दे आर परपेंडिकुलर सो वी टेक साइन 90 टू बी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू है मेरे पास 2√2 एंड मोमेंटम की वैल्यू है 60, सो इन टोटल इट बिकम्स 120√2 kgm² per second. इतना आसान क्वेश्चन. यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले. ओके, तो अब एक काम कीजिए, आप जितनी सारी चीजें मैंने टॉपिक मैंने आज डिस्कस की एंड जितने सारे प्रॉब्लम मैंने आपको बताए, वो सारे प्रॉब्लम खुद से फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा एंड इस पर बेस्ड और सारे प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करूंगा एंड रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा. ओके, वो थोड़ा सा और कंसेप्चुअल है इस पर्टिकुलर टर्म से, ठीक है? कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड? Good. Okay then.